तो शादियां तो इस टाइम चल ही रही हैं विंटर में और एक ट्रेंड जो बहुत इन है दैट इज वेयरिंग अ वेलवेट तो मैं यहाँ ब्लू कलर की वेलवेट साड़ी पे ये इंडियन ग्लैम मेकअप लुक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा है सबसे पहले मैं अपने स्किन को प्रेप करूंगी अपने फेशियल हेयर रिमूव कर रही हूँ मैं अगर आप रिमूव करते हो तो जरूर रिमूव करना बहुत डिफरेंस आता है मेकअप करने में देन मैं सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज कर रही हूँ अपने पोर्स को फिल इन करने के लिए एंड बेस को स्मूद कर रही हूँ अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी फेस पे एंड देन मैं कलर करेक्ट करूंगी बिकॉज मैं मुझे पिगमेंटेशन भी है अंडर अंडर आइज में भी डार्क सर्कल्स हैं तो बस मैं इसको ब्लेंड नहीं कर रही हूँ स्किन में हल्क हल्का हल्का टैप कर रही हूँ कलर करेक्शन के बाद मैं फाउंडेशन ना यूज कर कर आज सीसी सी सैरम -सी यूज़ करूँगी मैं बात कर रही हूँ मामा हाइड्राग्लो सी सी सैरम के बारे में जिसमें आपको विटामिन सी एंड हाइलोरॉनिक एसिड मिलता है

हैं तो मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगी जो कि इस विंटर्स आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है वन प्रोडक्ट फुल फेस मेकअप डन तो मैं बात कर रही हूं मामा अर्थ नरिशिंग नेचुरल लिप चीक एंड आई टेंट के बारे में दिस हैज वाइटमिन सी दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन थ्री शेड्स पहला शेड है जीरो वन बी ट्रूट इट हैज वाइटमिन सी एंड बी ट्रूट एज आई टोल्ड यू एंड द सेकेंड शेड इज कोको न्यूड जो कि वाइटामिन सी प्लस कोकोआ है जिसमें एंड द थर्ड वन इज रोज पिंक इसमें है वाइटामिन सी एंड रोज पेटल्स नीज आर क्रीमी मैट फार्मूला इनका मैट क्रीमी मैट फार्मूला वेन यू टच ऑन टू द पैन ये एकदम क्रीमी से फील होते हैं जैसे आप अपने फेस पर करते हो ब्लेंड करते हो इट इज ऑल मैट आपको के साथ साथ थोड़ा सा ग्लो भी देते हैं जो कि नेचुरल सा ग्लो लगता है प्लस दिस इज मेड सेफ सर्टिफाइड एज वेल सो इट इज गुड फॉर एवरी डे यूज दिज आर लॉन्ग लास्टिंग और ये आप अपने आईलेट पे अपने चीक्स पे और अपने लिप्स पे अप्लाई कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो सॉटेड विद वन प्रोडक्ट ऑल्सो मुझे एक चीज इसकी बहुत अच्छी लगी दिस इज ट्रेवल फ्रेंडली बिकॉज इसमें आपको एक छोटा सा मिरर भी मिलता है दैट इज सो हेल्पफुल सो so, ये थे स्वाचेज आई होप आपको ये लिप टिन बहुत अच्छे लगे हो प्लस सी सी सेरम भी क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हो मेरा कोड यूज़ करके दैट इज फोक ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टू गेट एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट ऑफ एट मामाथ की वेबसाइट ऑल्सो एंड मामाथ की ऐप एज वेल मामाथ की अवेलेबल ऑन अमेजन नाइका पर्पल फ्लिपकार्ट बट इट इज़ नाउ ऑल्सो अवेलेबल ऑन मामाअ की ऐप एज वेल सो या यू कैन गो एंड चेक आउट एज वेल ऑल्सो मामद अभी तक तो ऑनलाइन अवेलेबल था ही अब वो ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल है तो मामा क्या ऑफलाइन स्टोर्स आपको ईजिली दिख जाएंगे एंड आप जाकर अपनी शेड्स पिकअप कर सकते हैं मामा इस प्लास्टिक पॉजिटिव रिसाइकल मो प्लास्टिक दिन दे यूज दे नाउ रिसाइकल टू फोर्टी मेट्रिक टन प्लास्टिक एवरी मंथ एट यू बाय समथिंग फ्राम माम्रीट दे प्लांट एंड बाई टी फाइविंग टू प्लांट वन मिलियन ट्रीज इज द पार्ट ऑफ दिस इनिशियट सो जल्दी जल्दी जाओ एंड बाय करो अब क्योंकि अच्छी खासी कवरेज मुझे मिल गई है तो मैं डायरेक्ट ही कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर यूज़ करूँगी ना कि कंसीलर तो मैं यहाँ पर लूज पाउडर से अपने अंडर आइज को और जितने फाइन लाइंस हैं या स्माइल लाइंस हैं उनको सेटल डाउन कर रही हूँ बस बाकी मैं अपने आईब्रोज़ को काव करूँगी और उनको फिल इन करूँगी जो भी स्पास गैप्स हैं जब मेरे आईब्रोज फिल हो जाएंगे फिर मैं लिक्विड ब्लश ले रही हूँ बेसिकली यहाँ ये क्रीम ब्लश है एकदम प्लम कलर का है तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा डार्क होता है ये एंड देन मैं एक गोल्डन सा हाईलाइटर लूँगी और अपने हाईस्ट पॉइंट्स पर अप्लाई करूँगी फेस के आप देख रहे हो एकदम बूम जो मिला है फेस पर ओ गॉड दिस इज़ लवली देन मैं ये ब्राउन कलर का आई शेडो ले रही हूँ एंड अपने आउटर क्रीज पर ब्लेंड कर इतनी नोस्टालजिक फील हो रही है मुझे इतने दिन बाद अपना मैं एक आई मेकअप शो कर रही हूँ यूट्यूब पर कितना शेयर करती थी मैं बहुत टाइम बाद शेयर कर रही हूँ जब वो अच्छे से ब्राउन कलर ब्लेंड हो जाएगा फिर मैं ये शैम्पिन कलर का आई लेकर अपने पूरी आईलेट पर अप्लाई कर लूंगी बहुत ही बेसिक सा आई लुक है कुछ ज्यादा नहीं है इसमें मेहनत एंड देन मस्कारा अप्लाई कर लूंगी मैं लोअर लैस लाइन पर जब भी मैं यू नो अपर लैश लाइन पर फॉल्सीज वेयर कर रही हूँ तो फिर मैं इसलिए ऊपर वाले में मस्कारा स्किप कर रही हूँ बट अगर आपको वेयर करना है आप डेफिनेटली वेयर कर सकते हो एंड देन मैं इसको लार्ज बैंड को हाइट करने के लिए एक बहुत ही थिन साइ लाइनर क्रिएट करी हूँ फिर मैं लिपस्टिक वेयर करी हूँ यहाँ पर मैं रेडिश ब्रिक रेड कलर वेयर कर रही हूँ वही जैसी ड्राई हो जाएगा बहुत सुंदर लगेगा यार फिर बिंदी लगाऊंगी एक ब्लू कलर की एंड देन ईयर रिंग्स एंड या एम ऑलरेडी आप लोग मुझे बताओ ये लुक कैसा लग रहा है मेरा मेकअप कितना फ्लॉलेस आया है मेकअप सिर्फ तब फ्लॉलेस आता है जब आपका बेस अच्छा होता है माइंडेड आप अपने बेस को अच्छे से प्रिपेयर करो आपका मेकअप एकदम फ्लॉलेस आएगा बताना कैसा लगा ये लुक मैं फ्यूचर में और मेकअप लुक्स लाने का सोच रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत याद आती है कि मैं कैसे मेकअप लुक्स शेयर करती थी अब मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाय